नमस्कार सब लोगों को, आपको बहुत अभिनंदन आपका भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज आप लोगों को विशेष रूप से पार्टी का एक महत्वपूर्ण अभियान है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान। इस बात से तो आप सब लोग वाकिफ हैं कि हर 3 वर्ष में पार्टी की चुनाव की गतिविधि संपन्न होती है, और ये हम कह सकते हैं कि इस समय देश में 1650 राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो सदस्यता से लेके और चुनाव तक की पूरी प्रक्रिया को विधिवत रूप से संपन्न करती है। और ये विधान में स्पष्ट उल्लेख है कि 50% इकाइयों के चुनाव संपन्न होने के बाद हम अपने मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव को पूर्ण करते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। चुनाव का अर्थ यहाँ पर आम चुनाव की तरह नहीं है, हमारी अपनी व्यवस्था और प्रक्रिया, लेकिन उसका जो पहला हिस्सा है वो है सदस्यता। और उस सदस्यता आम तौर पे 6 वर्ष के लिए होती है और हर 3 वर्ष में हम नए सदस्य बनाते हैं। विधान के मुताबिक 20% नए सदस्यों का इजाफा करना होता है, लेकिन हमने उससे भी कहीं आगे कुछ लक्ष्य निश्चित किए हैं। 6 जुलाई को इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी, माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री, उन्होंने जयपुर में इसकी शुरुआत करी थी, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करी थी। राजस्थान में आज की जो अपडेट है, मोटे तौर पर हमने एक लक्ष्य निश्चित किया था कि हम 30 लाख नए सदस्य इसमें जोड़ेंगे। विधान की शर्तों के मुताबिक तो हमारे सदस्य होते थे 10,44,000, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग पार्टी की सदस्यता लेने के इच्छुक और उत्सुक थे, उसको देखते हुए हम लोगों ने इस लक्ष्य को 30 लाख से ऊपर करने का निश्चय किया। और आज जो अपडेट है, लगभग 26 लाख नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। जो पहले हमारी सदस्यता होती थी वो 5 रुपए की एक रसीद हम लोग भरते थे, मैनुअल होती थी। अब जो एक डिजिटलाइजेशन हुआ, पिछली बार हमने प्रयोग किया, पूरी दुनिया में पहली पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी कि हमने मिस कॉल के जरिए नए लोग जोड़े। राजस्थान में हम लोग उस समय लगभग 77 लाख लोगों तक गए और 52 लाख लोग जिनको हम लोगों ने सदस्य बनाया, ऐसे 52 लैक्स। और दुनिया में इस बात से आप अपडेट हैं कि विश्व की सदस्यता संख्या के नाते 11 करोड़ लोगों तक पहुंच बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी।